Good morning, students. How are you? I am Gunjan Jindal from GTB Public Secondary School. आज हम बच्चों क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का सेकंड सेक्शन स्टार्ट करेंगे. बेटा इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर का मेन बता दिया था, प्लस क्रॉप की डेफिनेशन बता दी थी और सीजन के बेस पे क्रॉप कितने टाइप के होते हैं ये सब आपको बता दिया था. रबी और खरीफ क्रॉप के बारे में स्टडी कर ली थी बच्चों अपने. अब देखो यहाँ पे अपना नेक्स्ट हेडिंग है बेसिक प्रैक्टिसाइज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. मतलब क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए अपने किन किन प्रैक्टिसाइज को यूज करेंगे, किस तरीके से हम अपनी फसल का उत्पादन करेंगे, ठीक है, कैसे प्रोडक्शन करेंगे. सबसे पहले देखो बेटा हम क्या करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, प्रिपरेशन ऑफ सोइल. सबसे पहले हम फील्ड में अपनी जो सोइल है यानी कि मिट्टी है उसको तैयार करेंगे, ठीक है. सेकेंड उसके बाद मिट्टी जब तैयार होगी तो उसमें क्या करेंगे, सोइल. सोइल का मतलब क्या होता है, बीज बोना, ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे, बीज बोएंगे. उसके बाद देखो अब क्या करेंगे, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. अब हम क्या करेंगे उनमें क्या ऐड करेंगे बेटा, मैन्योर. मैन्योर का मतलब क्या होता है, खाद, ठीक है. और एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का मतलब केमिकल्स अपने ऐड करेंगे जिससे उन जो सीड्स हैं उनको ग्रोथ में क्या मिल सके, हेल्प मिल सके. मतलब ये उसके फूड का काम करेगा. आगे देखो बेटा नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा इरिगेशन. अब खाना खा लिया हमारे सीड्स ने, अब क्या पिएगा वो, पानी पिएगा. मतलब इरिगेशन करेंगे यानी कि फसलों को पानी देंगे. उसके बाद देखो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. अब देखो कई बार क्या होता है हमारे जो फील्ड है उसमें अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं, घास फूस जो हमने कल्टिवेटेड नहीं किए, जिनको हमने उगाया ही नहीं फिर भी वो उग जाते हैं, तो उनको निकालना वहां से जरूरी होता है. तो हम क्या करेंगे उनका वीड्स से क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है बेटा. उसके बाद देखो बेटा हम क्या करेंगे, जब हमारी फसल यानी कि क्रॉप पूरी रेडी होगी तो हम क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे. मतलब फसल की कटाई करेंगे, ठीक है. अब फसल की कटाई होगी तो उसके बाद जो प्रिपेयर्ड ग्रेन्स हैं उनको अपने क्या करेंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे यानी कि उनका प्रॉपर स्टोरेज करेंगे. स्टोरेज भी प्रॉपरली करना जरूरी है बेटा, अगर हमने अच्छे से स्टोरेज नहीं किया तो वो हमारे ग्रेन्स है या प्रोडक्शन है वो क्या हो सकता है, डैमेज या खराब हो सकता है, ठीक है बेटा. अब हम इन एक एक पॉइंट्स को डिटेल से पढ़ेंगे. देखो बच्चों फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोइल. प्रिपरेशन ऑफ सोइल के लिए हम क्या करेंगे, देखो बच्चों प्रिपरेशन ऑफ सोइल के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसका यूज करते हैं, जिन इक्विपमेंट का यूज करते हैं उनको बताऊंगी मैं. और इन हर एक मेथड का मैं दो तरीके बताऊंगी आपको. दो तरीके कौन कौन से होंगे बेटा, एक तो होगा बेटा मैन्युअल मेथड और नेक्स्ट होगा बेटा ट्रेडिशनल मेथड. मॉडर्न मेथड का मतलब आजकल किस तरीके से इसका प्रोसेस किया जाता है, मतलब कैसे मिट्टी को तैयार किया जाता है बेटा. इसके लिए अपने जिस इक्विपमेंट का यूज किया जाता है ट्रेडिशनल मेथड में अपने किसका यूज किया जाता था, प्लो का यूज किया जाता था, PLOUGH. स्पेलिंग को ध्यान से देख लेना. और नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो क्या बेटा, बोले इन दोनों का यूज किया जाता था, ठीक है. मॉडर्न मेथड में आजकल किसका यूज किया जाता है बेटा, आपने देखा होगा कल्टीवेटर का. आजकल कल्टीवेटर का यूज किया जाता है. देखो बेटा प्लो यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको हल, ठीक है. इसमें क्या होता है बेटा, इसका डायग्राम अगर मैं आपको रफली थोड़ा बताऊं तो ये इसमें वुडन रोड होता है, इसको अपने बोलते हैं, और यहां से क्या होता है आयरन, ठीक है. इसको तो इसको बोलते हैं बेटा अपने प्लो शाफ्ट. और इसको बोलते हैं बेटा अपने प्लो शेयर. समझ रही बात, इस तरीके से होता है. और जो पोए होता है बेटा ये नॉर्मली पूरा का पूरा आयरन से बना होता है, ठीक है. बस इन दोनों में नॉर्मली ये बेसिकली ये डिफरेंस होता है, ये वुडन होता है और
और ये क्या होता है आयरन से बना होता है, और यहाँ पे इन लो में क्या होता है ये जरा जो पीस होता है ये इतना, ये किससे मिलकर बना होता है आयरन से, ये लोहे का होता है। ठीक है, अब कल्टीवेटर का मैं आपको बुक में डायग्राम दिखा देती हूँ बेटा। कल्टीवेटर आपकी बुक में दिया हुआ है, ये आपने देखा होगा बेटा, मॉडर्न मेथड में इसका यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो इस तरीके से हम अपनी जो सॉइल है उसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे सॉइल का प्रिपरेशन हो गया। सॉइल के प्रिपरेशन के लिए जो प्रोसेस यूज होती है, जो प्रोसेस है उसको अपने बोलते हैं बेटा टीलिंग। टीलिंग मतलब जो हमारी सॉइल है उसको लूज करने की प्रोसेस। लूज करने की प्रोसेस का मतलब उसके बीच में स्पेस को क्रिएट करने की प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, टीलिंग। अब सॉइल को लूज क्यों किया जाता है, ताकि बेटा उसमें ऑक्सीजन का वाटर का सप्लाई इजीली हो सके और जो प्लांट है उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके बच्चों। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट मेथड अपना कंप्लीट हो चुका है बेटा। नेक्स्ट सॉइल के प्रिपरेशन के बाद अपने जो सेकंड मेथड है वो क्या करते होते हैं बेटा, सेकंड मेथड क्या होगा बेटा, और सेकंड मेथड क्या हो गया, मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनली पुराने टाइम में लोग कैसे करते थे बेटा, नॉर्मली मैनुअल मतलब हाथों से बीजों को बोया जाता था। ठीक है, आजकल के टाइम में मॉडर्न मेथड में क्या किया जाता है बेटा, इसके लिए एक मशीन का यूज किया जाता है जिसको अपने बोलते हैं सीड ड्रिल मशीन। क्या बोलते हैं, सीड ड्रिल मशीन का यूज किया जाता है बेटा। अब देखो ये सीड ड्रिल मशीन का क्या फायदा है, ठीक है, ये बेटा ये इस मशीन की हेल्प से जो सीड होते हैं वो प्रॉपर डेप्थ में लगते हैं, मतलब जिनकी जितनी उनको गहराई में होना चाहिए मिट्टी की उतनी ही गहराई में लगते हैं। ठीक है, जैसे हमारा फील्ड है तो ये ऐसे ऊपर नहीं रहेंगे सीड्स, ये क्या होंगे बेटा थोड़ी डेप्थ में जाके ग्रो होंगी, रखेगी इनको ठीक है ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी से कवर हो जाएंगे। इससे क्या फायदा होगा बेटा, एक तो यहाँ से वो पेस्ट से मतलब जो पक्षी होते हैं ठीक है बर्ड्स वगैरह होते हैं जो इन सीड्स को खा लेते हैं उनसे ये क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे। प्लस इनको मिट्टी से कवर होने के बाद ये मिट्टी से प्रॉपरली न्यूट्रिशन को इनटेक कर पाएंगे, ठीक है, जिससे इनको जर्मिनेशन में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी बेटा। अब देखो सीड ड्रिल मशीन का भी मैं आपको डायग्राम शो कर देती हूँ बेटा, अपनी बुक में दिया हुआ है ये देखो बेटा, ये सीड ड्रिल मशीन है, मॉडर्न मेथड में इनका यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये आप रीड कर लेना इसमें से। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, एडिंग, नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मतलब हम क्या ऐड करेंगे सॉइल में, मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है बेटा, अब देखो मैन्योर का मतलब मैंने बताया था बेटा ये ऑर्गेनिक होता है। मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, यानी कि काउ डंग से, ठीक है, प्लांट लिमिनेट से, मतलब जो पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां होती हैं उनके सड़ने से गलने से ये बनता है। ठीक है, अब ये नेचुरल होता है। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं बेटा ये क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो मैन्योर को ऐड कर सकते हैं अपने या फिर फर्टिलाइजर को भी ऐड कर सकते हैं। अब देखो बेटा अपनी बुक में टेबल बनी हुई है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है कि अगर अपने मैन्योर को ऐड करेंगे तो क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, और फर्टिलाइजर को अगर अपने ऐड करेंगे तो क्या फायदा और क्या नुकसान होगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैन्योर के बारे में बता रही हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया बेटा कि जो मैन्योर होता है वो नेचुरल होता है। कैसे बनता है, काउ डंग और प्लांट लिमिनेट से बनता है, जैसे प्लांट की सूखी पत्तियां वगैरह से खाद बनाई जाती है। अब देखो बेटा नेचुरल है तो इसका हमारी बॉडी को नुकसान क्या होगा, कम होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो फर्टिलाइजर है वो किससे मिलकर बने होंगे, केमिकल से, तो ये हमारी बॉडी को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। फिर हम फर्टिलाइजर का यूज करते क्यों है, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट है और इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, ये तो क्या करता है बेटा, इससे क्या होता है, यील्ड अच्छी होती है, यील्ड
हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि क्रॉप प्रोडक्शन है वो ज्यादा होता है। क्रॉप प्रोडक्शन फर्टिलाइजर से तो क्या होता है, ज्यादा होता है, और मैन्योर से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो हम फर्टिलाइजर्स का यूज क्यों करते हैं, ताकि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो सके, ज्यादा हो सके। मैन्योर की बहुत सारी अच्छी बातें हैं, बट ये प्लांट की ग्रोथ को उतना इंप्रूव नहीं कर पाता बच्चों जितना फर्टिलाइजर कर पाता है। इसी